दिन लाइव क्लासेस का इंटरेक्टिव क्लासेस का आनंद लेंगे, उसमें एक्सरसाइज 12 मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। किताब सबों के पास है। ऑल द स्टूडेंट्स आर एट फर्स्ट सजेस्टेड एंड रिक्वेस्टेड टू ओपन द एक्सरसाइज बुक एंड टू नोट ईच एंड एवरीथिंग व्हिच विल बी रिटन ऑन द बोर्ड। सारे स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल के रखेंगे, बोर्ड पर जो बातें बताई जाएंगी उसको अक्षरशा सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट डाउन करेंगे, ताकि आपकी जो परीक्षाएं होंगी वीकली और मंथली, इसी क्लासेज में जो पढ़ाए गए हैं उन्हीं चीजों में से प्रश्न दिए जाएंगे। ये भी 100% सच्ची बात है। तो बी रेडी फॉर दैट। हर एक दिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शिक्षकों के द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन आपका सबसे पहला कर्तव्य है। इट्स योर फर्स्ट ड्यूटी टू ओबे द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर्स इन योर क्लासेज। द क्लासेज वुड बी लाइव क्लासेज और वीडियो क्लासेज। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो नो डाउट जब एग्जाम्स होंगे उनमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए आप हर समय रेडी रहेंगे, अक्षरशः उसका सही जवाब देंगे। वो मैथ का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, जिस चीज का भी हो, आपके पास एप्रोप्रिएट आंसर होगा। रैंडमली टेस्ट भी होता है फिर भी उसका जवाब देने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12 में हेडिंग दिया है टेस्ट इन टर्म्स ऑफ मीटर। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, ये हेडिंग हुआ। इस हेडिंग के नीचे जो भी चीज आएंगे, जितनी भी चीजें आएंगी वो अलग अलग यूनिट्स में होंगी और उन चीजों को आपको मीटर में एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करिए इन टर्म्स ऑफ मीटर, मतलब मीटर के टर्म में आपको जो भी चीजें नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे उनमें जो यूनिट होगा उस यूनिट को आपको एक्सप्रेस करना है मीटर में। ये पहले समझ लीजिए कि एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर, टर्म का मतलब होता है पद, और मीटर आप पहले से फैमिलियर है इससे। जो भी चीजें आपको नीचे दी जाएंगी, चीजें क्या होंगी, क्योंकि चैप्टर का नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट्स का ही कन्वर्जन इसमें होगा। जो भी यूनिट आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे उनको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। पहले तो क्या करते हैं उसके लिए, पहले भी मैं आपको बताया था कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर, ये बना लेने से क्या है कि हमें क्विक एक्शन लेने में मदद मिलती है। हम लोग जो है तुरंत क्वेश्चन को देखते हैं और कहाँ कन्वर्ट करना है, बड़ा से छोटा में जाना है कि छोटा से बड़ा में जाना है। जैसे एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर है तो हो सकता है जो क्वेश्चन में क्वांटिटीज नीचे दिए जाएंगे वो बड़ा यूनिट होगा, तो उससे यहाँ क्लियर हो जाएगा कि बड़ा यूनिट से छोटा में जाने के लिए क्या करते हैं। यू विल हैव टू रिकॉल नॉलेज यू माइट हैव गेन्ड इन वीडियो क्लासेस प्रीवियसली। अगर एक्सप्रेस करना है मीटर में और यहाँ देखेंगे कि जो क्वेश्चन में क्वांटिटीज दिए गए हैं वो अगर मीटर से स्मॉलर है तो हमें ये उस चीज को याद करने की जरूरत है कि स्मॉलर क्वांटिटी से जब हम ग्रेटर क्वांटिटी की तरफ मूव करते हैं व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना होगा।
तो पहला क्वेश्चन है पासवर्ड लिखना 17 हेक्टोमीटर, 17 हेक्टोमीटर। अब देखिए इसको एक्सप्रेस करना है हमें मीटर में, क्वेश्चन दिया हुआ है हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर यहाँ है। आपको यू आर फैमिलियर दिस टेबल, जैसे विधान की तरफ बढ़ते हैं क्वांटिटीज बड़े होते जाते हैं और ऊपर की तरफ क्वांटिटीज छोटे होते जाते हैं। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है यहाँ हेक्टोमीटर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। हेक्टोमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है। हमने बताया था कि जिसको कन्वर्ट करना है उसको छोड़ दीजिए, जहां तक जाना है वो स्टेप काउंट कीजिए। तो 10 यहाँ होगा, 10 यहाँ होगा, 10 × 10 इट मीन्स आपको हेक्टोमीटर की संख्या में 10 × 10 दैट इज 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ लिखे 17 × 100 इक्वल टू इतना मीटर हो गया। आप टाइटल कैसे कर सकते हैं उस टेबल के माध्यम से, चाहे आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा एक मोड ये हो गया, दूसरा मोड ये देखिए, आप लिखिएगा 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर, मतलब हमारा 17 हेक्टोमीटर हो गया 17 × 100 1700 मीटर। वन हेक्टोमीटर में 100 मीटर कैसे होता है? तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया जाता है तो आप बताइए कि 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है। तो 10 मीटर इसका गुना 10 मीटर इसका, तो 10 × 10 कितना हुआ 100। मतलब कि 1 हेक्टोमीटर में आप डायरेक्ट ऐसे भी गुना करके लिख सकते हैं, उससे भी अच्छा करना है तो आप लिखिए कि 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर, तो 17 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1700 मीटर। चलिए आप जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर इसको मैं लिखाऊंगा। नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है 3 किलोमीटर 6 डेकामीटर। इसको क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 694 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है, 3 × 1000 हो जाएगा 3000 मीटर। और डेकामीटर यहाँ आ जाके डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डेकामीटर की संख्या में 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर, इधर है 6 डेकामीटर, 6 × 10 हो गया 16 मीटर। और आप इसके बदले क्या लिखेंगे मीटर में, ये 3000 हो गया और प्लस ये 60 हो गया 3060 मीटर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म है, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखते हैं 3 × 1000 + 6 × 10 और ऐसे घेर के यहाँ लिख देते हैं मीटर, तो ये हो जाता 3000 + 60 मीटर इक्वल टू 3060 मीटर। ये हो गया
उस टेबल की मदद से कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो किलोमीटर की संख्या में 1000 से मल्टीप्लाई किया गया, और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो डेकामीटर की संख्या में 10 से मल्टीप्लाई किया गया, और दोनों क्वांटिटी सेम हो गया मीटर में, इसलिए उसको दोनों को हम लोग ऐड करके डायरेक्ट आंसर। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि डायरेक्ट 1000 कैसे होगा, तो उसके लिए ये है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, बट हाउ कैसे, उनको आप यहाँ बताइए कि किलोमीटर यहाँ है 1 2 3, 3 स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, उस 3 स्टेप में प्रत्येक स्टेप 10 10 का है, 10 गुना 10 गुना 10 जब हम करेंगे तो हो जाएगा 1000, मतलब कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होना है। इस तरह से आप समझा सकते हैं, तो ये आपका हो गया लॉन्ग प्रोसेस में, और टेबल की मदद से करना चाहते हैं, बस इस लाइन के बाद ये लाइन लिखना है, उसके बाद ये है, और यहाँ पर ये आप आंसर कर दीजिए। बच्चे यहाँ पर खड़ा है इसको आप पहले नोट कर लीजिए, जिसमें आपको आसानी लगे सबसे पहला काम नोट करिए, फिर आपको जो समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको चांस दूंगा पूछने के लिए। ये दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, तरीका चाहे जो भी हो, आपको क्या करना है, आपको जो है सुंदर सुंदर साफ साफ अक्षरों में लिखना है, चीजों को समझना है, जो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, समस्याएं अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन हमें जो बेसिक कंसेप्शन दिए जाते हैं, जो बातें बताई जाती है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए, उन बातों का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन बनाना है, और जब हम उस तरह से बनाते हैं तो आंसर हमारा 100% सही होने का चांस बनता है। तो आप इसको लिख लिए होंगे, तो मैं इसको मिटाऊंगा, बहुत सारे बच्चे जो है हैंड रेज किए हैं पूछने के लिए। मिस्टर सिस्टम, श्रेयांश जी को स्क्रीन पर लाया जाए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं श्रेयांश जी?